तो जी अम्मी पापा लोग आज जा रहे हैं डेट पे और ये लोग निकल गए तो मैं वीडियो बना नहीं पाई इनके निकलने की। बट वैलेंटाइन वीक तो निकल गया है लेकिन ये लोग ने सोचा कि क्यों ना वैलेंटाइन वीक के बाद अपनी डेट कर ली जाए। तो मुझे हंसी आ रही है। तो ये दोनों आज गए हैं वैलेंटाइन डे के बाद अपनी फर्स्ट डेट पे। तो सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली ये लोग डेट वेट पे नहीं गए हैं, ये लोग गए हैं हिना पी के। तो और मैं और मेरे हस्बैंड घर पे हैं, हम लोग नहीं गए, सिर्फ अम्मी पापा गए हैं क्योंकि कुंडे में तो कोई जा ही नहीं पाया कहीं, तो इस वजह से ये लोग आज गए हैं। और धूप इतनी तेज़ होने लगी कि क्या बताऊँ, यही धूप होती है सर्दियों में जब इंसान को धूप में बैठने का मज़ा मिलता है, बट धूप इतनी तेज़ हो रही है कि अब धूप से थोड़ी सी उलझन टाइप की लग रही है। और ये मेरा पूरा जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया का लुक, तो यहाँ पे अभी आबादी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये सब तो पूरा खाली पड़ा है। तो आइए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं शौहर जी क्या कर रहे हैं। तो जी अम्मी पापा चले गए हैं और मैं बना रही हूँ शाम के खाने के लिए कढ़ी। तो कढ़ी का लगभग हमारी फुलकियाँ तल चुकी हैं और मैंने इसकी जो कढ़ी की ग्रेवी है ये भी बघाड़, तो ये यहाँ पे अब पक रही है। तो जब तक ये पक रही है तब तक मैं अपनी फुलकियाँ तल रही हूँ। तो और मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया क्योंकि मैंने सोचा कि जब बनाना है तो लेट क्यों किया जाए, और कढ़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो मैंने इसलिए इसको जल्दी बना लिया। अब इसके बाद मेरे पास कुछ रह नहीं जाएगा, सिर्फ रोटी पकानी रह जाएगी और चावल पकाना रह जाएगा, तो वो मैं शाम को कर लूँगी मगरिब की नमाज़ के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल यही हो रहा है। आग से आग के पास काम करते वक्त फ़ोन का रहना सही नहीं है, इससे दिमाग डाइवर्ट होता है। तो पहले हम ये कर लें फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे आप लोग से। तो कढ़ी हो गई है हमारी तैयार और अब मैं इसके बघार की तैयारी कर रही हूँ। तो जी ये हमारे घर से सनसेट का व्यू है और कितना प्यारा और कितना हसीन व्यू है। तो ऐसा कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, बट जो उगता हुआ सूरज होता है वही डूबता हुआ सूरज होता है। अगर आप डूबते हुए सूरज को नहीं देखेंगे तो आप उगता हुआ सूरज भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी डूबते सूरज की तरह कभी उगते सूरज की तरह, तो इसलिए इंसान को हर तरह के सिचुएशन में हर तरह के सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। और ये हमारी गांव की ये जो बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां थी तो मैंने इनको भी अपने शूट में लिया है, ये तो कम दिखाई दे रही हैं, इससे पहले बहुत सारी निकल चुकी हैं आगे। तो ये सब जानवर इतने क्यूट लगते हैं मुझे कि मैं जब भी इनको देखती हूँ तो वीडियो बनाने से मैं ख़ुद को रोक नहीं पाती। तो
ये यहाँ पे आती हैं इनको चराने के लिए। तो शाम के टाइम फिर हमने बनाई ये मैक्रोनी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी मुझे, तो मैक्रोनी रखी भी हुई थी तो मैंने सोचा बना लूँ थोड़ी सी, तो मैंने ये बनाई थी फिर और इसको इंजॉय भी किया। तो हम लोग जा रहे हैं शुक्लागंज, क्या करने आप बताएंगे आज? बताशे खाने जा रहे हैं, क्योंकि अम्मी पापा लोग गए हैं हिना भी क्या, तो हम लोग बोर हो रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग बताशे खा के आए। तो आइए चलते हैं, बताशे खाते हैं और फिर वापस आते हैं घर अपने। शादियां हैं आज नहीं, लगभग एक दो हफ्ते से चल रही हैं ये शादियां, तो इन लोगों को फ्री के टेंशन मुबारक, जिसका नाम है बीवी। बीवी एक फ्री की टेंशन है, आप मुझे ही देख लें, हम फ्री की टेंशन है कि नहीं है? चलो चलो चलो, अब नहीं बोल रहे मुझे फ्री की टेंशन का। हमने कहा कि हम फ्री की टेंशन है तो आपने कहा हूँ मैं नहीं मालूम था।